परिवार के सदस्यों को उचित श्रेणी का प्रणाम। जैसे आज सभी हमारे परिवार के सदस्यों को पता है कि आज सिक्स मंथ का जो बच्चों ने परफॉर्मेंस की है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, उसका आज रिजल्ट डे है। रिजल्ट कभी भी बच्चों का नहीं होता, रिजल्ट या तो माता पिता का होता है या टीचर्स का होता है, क्योंकि बच्चे ने तो निरंतर वो प्रयास करना है, वो प्रयास कभी खत्म नहीं होना। तो मैं सिर्फ इस रिजल्ट डे पे एक चीज बताना चाहूंगा, ये पहला GDS लर्निंग स्कूल, GDS गुरुकुल पहला स्कूल ऐसा है जिसके अंदर आपके बच्चे की चार स्किल की बात की जाती है, एकेडमिक स्किल, IT स्किल, कम्युनिकेशन एंड स्पोर्ट्स स्किल। ये चारों स्किल के अंदर आपका कितना अच्छा बच्चा करके निकला है उसको रिजल्ट देखने के लिए आप आए। और मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अपने बच्चे की प्रॉब्लम को, अपने बच्चे की कमजोरी को एक बीमारी की तरह लें और उस बीमारी को उसकी ताकत के अंदर कन्वर्ट करें, ताकि जब आपका बच्चा ताकतवर होगा तो स्टेज के ऊपर आके अपनी बात को रख पाएगा, अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगा। मैं उन सभी पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ जिसने अपने बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखा, और स्वास्थ्य के ध्यान के साथ साथ हमारा जो सिक्स मंथ का प्रयास था उसको सफल किया। और उसके साथ साथ स्पेशली मैं उस पेरेंट्स का दिल से धन्यवाद करता हूँ, जैसे एक बेटी को रियाशिया, जो उसके पापा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि बेटी को टाइफाइड हो गया था, उसके बावजूद भी वो बच्चा परफॉर्म करने आया। तो ऐसे ही कहा था बच्चा और था जिसको फीवर हुआ, प्रॉब्लम हुई। तो आप सभी अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी में आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you.
आगे बढ़े सभी बच्चे। थैंक यू।